The number you dialed is in. थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। फिर से एक बार इस हीडली प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु के सन्निधान में, प्रभु के आंगन में माथा टेकता हुआ, प्रभु के द्वारा किया हुआ हर छोटे बड़े चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। एक साथ मिलकर ये इकरार करे कि प्रभु जी आप महान है, आप महिमावंत परमेश्वर है। हर एक पल, हर एक दिन हमें जीवन से भी बढ़कर आगे चलाने के लिए हमारे जिंदगी के हर छोटे बड़े जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारे पैर को फिसलने से प्रभु आपने बचाया। प्रभु हमें एक सकुशल जिंदगी दिया, हमारे जिंदगी में शांति दिया, हमारे जिंदगी में चंगाई दिया। हर छोटे बड़े जरूरतों में आपकी सहायता हमारा साथ बना रहा, हमारे परिवार के साथ बना रहा, हमारे बच्चों के साथ बना रहा, हमारे कलीसियों के साथ बना रहा, प्रभु के दासों के साथ बना रहा। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते। कलाम हमसे ये याद दिलाता है कि उनकी उपकारों को एक भी उपकार को ना भूल। प्रभु आपकी जिंदगी में किया वाला एक भी उपकार को मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। इस रात प्रभु आपकी जिंदगी में किया वाला उपकारों को याद करता हुआ प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु को बोलिएगा, प्रभु जी आप महान है, आप महान है, आप महान है परमेश्वर। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हल्लेलुया। रगा दिगा शक जगत अलग आदम दीब रगा शक जगत। प्रभु हमें, हम अपने आप को समर्पित करता है, समर्पित करता है परमेश्वर। हम केवल मिट्टी मात्र है, पर प्रभु अपना आशीष भेजेगा। सिस्टर ग्लोरी आप लाइन पर हैं? हाँ, आपको मैं ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता है। बहुत खुशी हुआ जानकर कि आप बॉम्बे से, मुंबई से गीत गा रही है। आपको गीत गाने का अवसर है, विशेष विशेष कर आपको वेलकम करता है उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तेरा फसल क्या ही अजीब, मेरे जीवन में बड़ा अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फसल तेरा मुझे, और भी चाहिए फसल तेरा मुझे। हालिम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, हालिम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्त के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा के दान का फसल दे दे मुझे, सेवा करने का फसल दे दे मुझे। तेरा फसल क्या ही अजीब, मेरे जीवन में बड़ा अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फसल तेरा मुझे, और भी चाहिए फसल तेरा मुझे।
बच गया खतरों से मैं, यह भी है तेरा फसल। बच गया खतरों से मैं, यह भी है तेरा फसल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उसे संभालने का फसल दे दे मुझे, उसे संभालने का फसल दे दे मुझे। तेरा फसल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फसल। तेरा मुझे और भी चाहिए फसल, तेरा मुझे। स्तुति की प्रार्थना में बढ़ता है तेरा फसल, स्तुति की प्रार्थना में बढ़ता है तेरा फसल। आंसू के साथ बोझ से मैं रूहों के लिए विनती करने, आंसू के साथ बोझ से मैं रूहों के लिए विनती करने। प्रार्थना के दान का फसल दे दे मुझे, प्रार्थना के दान का फसल दे दे मुझे। तेरा फसल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फसल। तेरा मुझे और भी चाहिए फसल, तेरा मुझे। प्रभु आने के दिन में मिलेगा बड़ा फसल, प्रभु आने के दिन में मिलेगा बड़ा फसल। जाते हुए पाने के लिए यीशु से मैं मिलने के लिए, जाते हुए पाने के लिए यीशु से मैं मिलने के लिए। दया के साथ का फसल दे दे मुझे, दया के साथ का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल। तेरा मुझे और भी चाहिए फसल, तेरा मुझे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत। तेरा फसल क्या ही अजीब है, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए मुझे। प्रार्थना का फसल, स्तुति का फसल। यस, बोलिएगा। हेलो हेलो, या कुछ बोल रही थी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे गीत गाने का मौका दिया। बॉम्बे वहाँ पे कुछ खबर है, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकती है? नहीं, यहाँ पापा की मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना जरूर। She is from Ulasnagar and she is actually expecting baby. Okay, fine. जरूर प्रभु एक बहुत ही खूबसूरत
बच्चे को देखकर आपको आशीष करेंगे, एक नॉर्मल डिलीवरी देकर आशीष करेंगे, आपके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, डैडी की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस तरह आप गा रही थी, जरूर इस विषय में भी प्रभु का फजल आपको मिलेगा। जिस तरह हम सुन रहा था, स्तुति का, प्रार्थना का, दया का फसल जरूर हमें प्रभु से मिलना जरूरी है। प्रभु के कृपा के वजह से, प्रभु की फसल के वजह से आज तक यहाँ तक हम पहुंचे, और भी ज्यादा हमें चाहिए। सबसे बड़ा फसल तब मिलेगा जब हमारा प्रभु आएगा और हम प्रभु को पाने के लिए, देखने के लिए, उससे मिलने के लिए हमेशा जागता रहेगा, चलिएगा। कितना अच्छा मधुर की प्रभु के प्यार में, प्रभु की तरफ हमें अट्रैक्ट करने वाला उस मधुर संगीत के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। जरूर सिस्टर, उनके परिवार, उनके डैडी के मिनिस्ट्री को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष देंगे। प्रार्थना के साथ बैठे रहिएगा। प्रभु के दास जो अमेरिका में विजिटिंग में है, उनसे कलाम से प्रभु की आवाज हम सुनेंगे। जब हम बोलते हैं प्रभु की आवाज, तो ये आवाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में लगे रहिएगा। पास्टर कुरियाकोस आप लाइन पर है? लाइन में है। चलिए, मैं आपको इस हिंदी ओक्लाहोमा प्रेलन में वेलकम करता। आगे का 20 मिनट आप कलाम से प्रचार कर सकते। आपको फिर से एक बार मैं इस प्रेलन में वेलकम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति मिले। ये ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में ईश्वरीय वचन लेकर आने का अवसर प्रभु की दया से हमको उपलब्ध हुआ है। जन्म से मैं केरल से जुड़ा हुआ है, परंतु 1986 से लेकर उत्तर भारत की उष्ण भूमि में जीवित परमेश्वर का पवित्र कलाम का सेवकाई के निमित्त प्रभुओं को संभाल कर रखा है। एक नास्तिकवादी के रूप में जब जिंदगी बिता रहे थे, तब मारका बीमारी के हालातों से परमेश्वर ईश्वरीय चंगाई के द्वारा हमको प्रभु में लाया है। हमें प्रेज़ गॉड ईश्वरीय वचन का सेवक बनाया है। हमें एक महीना से उत्तर भारत में से अमेरिका में विजिट में हूँ। कई जगह पर जाने का अवसर प्रभु दिया है। उत्तर भारत में इंदौर में हम सेटल है 1997 से। हमें प्रेस को हम लोग हमें इंदौर सागर में रहकर प्रभु का सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश का हमें हमारा सेवकाई के निमित्त आप लोगों का प्रार्थना मानते हैं। आज रात्रिकाल की मनन के निमित्त 50वां भजन संहिता पहला आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसका पहला आयत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक हमारा परमेश्वर पृथ्वी के सारे लोगों को बुलाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिस प्रकार नसिक आने हेतु बुलाते हैं, एक स्वर्गीय बुलाहट की अंगोश में सारे मानव जाति खड़े हैं। यदन वाटिका में हमें क्राइस्ट गॉड हर दिन सायं संध्या काल हमारे जीवित परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति रखते थे, परंतु वहां पर बुलाने का जरूरत नहीं। बिना बुलाए आदम और हव्वा प्रतिदिन सायं संध्या का जब हमें सूरज का रोशनी डूबते हैं, उस वक्त ईश्वरीय उपस्थिति पाने हेतु अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पवित्र चरणों पर पहुंचते थे, संगति रखते थे। परंतु जिस दिन मना किए हुए पौधे के फल को खाकर हमें परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कानून का उल्लंघन हुआ है, उस वक्त स्वर्गीय संगति टूट गया, स्वर्गीय शांति से इंसान बाहर हो गया। अनुग्रह के बदला में श्राप का हमें अधीनता में हमें सारे मानव जाति आ गया। इंसान अंधकार के पक्ष में खड़ा हो गया, परमेश्वर पवित्र राय की हमें रोशनी के पक्ष में खड़ा हो गया। कभी भी न मिलन होने वाले, कभी भी हमें संगति न रखने वाले एक भयानक दरा पाप के निमित्त हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर और सृष्टि इंसान के बीच में उत्पन्न हो गया। उसी दिन से लेकर
आज तक अपने खोया हुआ सृष्टियों को अपने पास आने हेतु, अपने आशीष पाने हेतु, अपना किए हुए पाप से निमित्त पश्चाताप करके ईश्वरीय आशीष को पाने हेतु स्वर्गीय परमेश्वर मुलाहट करते हैं। आज भी उदयाजल से लेकर अस्ताजल तक हमारा परमेश्वर सारे मनुष्य प्राणियों को अपने पास आने हेतु किए हुए पाप से मुक्ति पाने हेतु पाए हुए श्राप की बंधन तोड़कर शैतान के जकड़े हुए जाल से छुटकारा पाते हुए परमेश्वर के पास पहुंचने हेतु परमेश्वर बुलाते हैं। प्यारो एक स्वर्गीय बुलाहट स्वीकार करते हुए अर्थात यीशु मसीह को ये बुलाहट के आधार पर आमेन पर उद्धार करता के रूप में अपना कर स्वर्गीय संगति में रहने वाले पवित्र लोगों का झुंड के निमित्त पवित्र हालेलुया संगति पाए हुए हमें सारे भक्त लोगों के निमित्त मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगा। हमें आज रात्रि वजन की दायरा में रहते हुए पहला बुलाहट उदयाजल से लेकर अस्ताजल तक सारे मनुष्य प्राणियों को बुलाने वाले परमेश्वर का पहला बुलाहट पाप से शुद्ध होने के लिए पाप से क्षमा पाने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं। ये पहला बुलाहट अपन ऐसे भविष्यवक्ता की किताबों में पहला अध्याय की 18वां आयत में पढ़ सकते हैं। We can see the first calling to purification for the presence of God through the blood of Calvary. Hallelujah. यीशु मसीह का पवित्र खून के द्वारा उपलब्ध होने वाले पाप क्षमा के निमित्त पवित्र वाई का संगति पाने के निमित्त हमारा परमेश्वर को बुलाते हैं। पहला बुलाहट पाप क्षमा के निमित्त पहला अध्याय का 18वां आयत है। कोई भी पढ़िए यशया पहला उसका 18। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। प्यारो मेरा प्रभु आपको बुलाते हैं दुर्दशा से पाप के निमित्त जो कुछ भी हानि हो उठाना पड़ा पाप के निमित्त उत्पन्न हुए हर प्रकार की हमें खेली का पूर्ति के निमित्त पाप के निमित्त उत्पन्न हुए हर प्रकार की नुकसान को आपको हालेलुया छुटकारा दिलाने हेतु मेरा प्रभु आपको बुलाते हैं। प्यारो अगला बुलाते ही है अब हम आपस में वाद विवाद करें, आपका पाप कितने लाल रंग का हो मैं उसी पाप को हमें प्रेस को श्वेत करेंगे अर्थात शुद्ध करेंगे। आज का मानव जाति हमें हालेलुया पहुंचे हुए एक भयावह परिस्थिति है पापमय जीवन। आज इंसान का जिंदगी को देखे उनका स्वभाव में पाप होते हैं, चाल चलन में पाप से भरा है, हर एक मनुष्य प्राणी पाप का साप से काटा हुआ है। उनका स्वभाव में किसी भी प्रकार का धार्मिकता रखता नहीं। हर एक इंसान अंग्रेजी भाषा बोले हिंदी भाषा बोले दुनिया का कोई भी खाना खाए दुनिया के कोई भी धर्म में रहे हर एक धर्म में पाप भरा पड़ा है, हर एक राजनीति के दल में पाप भरा पड़ा है, हर एक परिवार में पाप भरा हुआ है, हर एक हमें पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी अनपढ़ लोगों की जिंदगी ऊंचे तबके के लोग नीचे तबके के लोग पाप से भरा हुआ है। पाप में रहकर परमेश्वर के आशीष हमको पा नहीं सकते। पाप ही आज का सबसे बड़ा परेशानी है। लोग सोचते हैं करने के लिए नौकरी नहीं मिलता वो सबसे बड़ा परेशानी है, रहने का मकान नहीं है
वो एक परेशानी का कारण है। प्यारो, पहनने का कपड़ा इंसान को चाहिए, खाने का भोजन चाहिए, रहने का व्यवस्था चाहिए, मकान चाहिए, सब ठीक ही है, परंतु पाप में रहकर हमें कभी भी जीवित परमेश्वर के साथ एक संगति पाना मुश्किल है। हर एक धर्म हमें पाप से जिस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं उसका तौर तरीका सिखाते हैं। पर प्यारो, मैं आपको समझाना चाहूंगा, हालेलुया, पाप तौर तरीका से हमें धार्मिक विचारधारा से पाप का मुक्ति नहीं होता। पाप क्षमा के निमित्त लोग पहाड़ में चढ़ते हैं, हमें नदी की घाट में डूबते हैं और तीर्थाटन यात्रा करते हैं, सात समुद्र को पार करते हुए घूमते हैं, फिरते हैं, पाप क्षमा के निमित्त नारियल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, हमें प्रेस को क्या क्या कार्य नहीं करता। पर प्यारो, पाप क्षमा के निमित्त मुक्ति पाने के निमित्त, पाप से हाल या छुटकारा पाने के निमित्त आप आज का दिनों में अपनाए हुए कार्यक्रम आपको पाप क्षमा देता है क्या? मैं आपको समझाना चाहूंगा, यीशु मसीह का कालवरी का बलिदान के अलावा पाप क्षमा के निमित्त कोई भी वेदी दुनिया में है नहीं, कोई धर्म का हमें पूजा पाठ से, कोई धर्म की हालेलुया धर्म स्थापन से, किसी भी प्रकार का धार्मिक नेता की उपस्थिति से किसी भी व्यक्ति को भी आज तक पाप क्षमा उपलब्ध नहीं हुआ। परंतु आदम के द्वारा पाप किए हुए मानव जाति पाप की अधीनता में पाए हुए हर एक नुकसान को अपना शरीर में उड़ाते हुए गौशाला में जन्म लेकर गोगुलता पहाड़ में अपना बलिदान देते हुए मानव जाति के लिए बिच्छुवाई का सेवा करके अपना शरीर का होम बलि प्रदान करते हुए यीशु मसीह हालेलुया हर एक विश्वास करने वालों के लिए पाप क्षमा का रास्ता दिखाया है। रोमियों के पत्र तीसरा अध्याय का 24वां आयत में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए प्रायश्चित होने हेतु पिता परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर रखा है। हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए खुदा परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, हमारे पाप से हमको मुक्ति दिलाने के निमित्त, हमारे रोग से हमको चंगाई देने के निमित्त, हमारे यीशु मसीह हमारे समानता में देहधारी होकर दुनिया में आया, बातों से, कामों से, स्वभाव से, अपना व्यवहार से वो विश्वास करने वाला हमें लायक परमेश्वर का पवित्र संधार है, हमारे मुक्ति दादा है करके हर एक पंक्ति में हर एक व्यक्ति के सामने वो मुक्ति दादा के रूप में एक नमूना पेश किया। आज यीशु मसीह की क्रूस का बलिदान के द्वारा उपलब्ध होने वाले पाप क्षमा प्यार बनाने हेतु कौन अपने अपना दिल दिमाग को खोलेंगे और अपना दिल को विश्वास का हालेलुया आप द्वारा उपलब्ध होने वाले पाप क्षमा के निमित्त अनुदाव करते हुए यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह हालेलुया अपना शरीर में रहते वक्त अपने पास आए हुए हर एक गुनाहगारों को आमेन प्रेस गॉड हालेलुया पाप क्षमा देते हुए हमको सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। आज प्यारो, मैं एक खोया हुआ पापी हूँ, प्रभु आप मेरा पाप के निमित्त क्रूस पर मरा है। ऐसे कोई भी प्राणी विश्वास करते हैं तो आपका पाप के निमित्त क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, हे प्रभु आप मेरा पाप के निमित्त ही क्रूस पर मरा है, आप हालेलुया मेरा पाप से मेरे को मुक्ति दिलाने हेतु परमेश्वर का पुत्र होकर दुनिया में आया है। आज तक किए हुए अनादा की पाप को अनाकानी करते हुए प्रभु मुझको आपका संभार के रूप में अपनाइए। जो व्यक्ति आज प्रभु की क्रूस की तराई में
अपने आप को रखे हुए विनती प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह आपका पाप के निमित्त क्रूस पर मरा है, ये बात तो मरा को विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी बात है, पाप का स्वभाव को आज छोड़ना पड़ेगा। हर एक पाप को हमें छोड़कर आने वाले दिनों में मिलने वाले जिंदगी में केवल ही केवल केवल ही केवल यीशु मसीह के लिए जीने का एक निर्णय लेने वाले हर एक व्यक्ति में हमें परमेश्वर अपना महिमा का प्रकटीकरण करते हैं। यीशु मसीह को अपना उद्धार कर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले हर एक व्यक्ति को, उसमें धर्म का कोई फर्क नहीं, आम एक देश का कोई फर्क नहीं, भाषा का कोई फर्क नहीं, रंग का कोई फर्क नहीं, आपका पूर्व गांव का हिसाब नहीं पूछा जाता, केवल ही केवल पाप क्षमा के निमित्त आपको इतना ही करना है। क्रूस का बलिदान को देखते हुए हे प्रभु आप मेरे पाप के निमित्त क्रूस पर मरा है, मैं विश्वास करता हूँ और करती हूँ, आज के बाद पाप नहीं करूंगा। पाप को यहाँ पर छोड़ देते हैं और छोड़ देती है, आप मेरा दिल में मेरा उद्धार करता के रूप में आज से मैं आपको स्वीकार करता हूँ। यह प्रतिज्ञा, यह प्रतिष्ठा, यह प्रार्थना दिल की तह से प्यारू आप करते हैं तो आपका जीवन बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, आपका नौकरी बदल जाते हैं, यीशु मसीह आपका जीवन में रहने हेतु आ जाते हैं। कभी भी हमें पूर्व काल का पाप का श्राप, पूर्व काल का पाप का बंधन आपका जीवन में नहीं रहता। जो यीशु मसीह को अपना पुत्र के रूप में अपनाते हैं उसको यीशु मसीह का संबान होने का अधिकार प्रभु देते हैं। इसलिए आओ आज रात्रि सुसमाचार यीशु मसीह का क्रूस का संदेश आपका पाप के निमित्त यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, ये सुसमाचार पवित्र आत्मा का कानों पर पहुंच जाते हैं तो आप पाप में ये जीवन को छोड़िए, दारू पीने का स्वभाव को छोड़िए, व्यभिचार का स्वभाव को छोड़िए, मूर्ति पूजा को छोड़िए, आप गलत संसर्गों से बाहर आइए, आ जाइए, गलत धर्म का विचार को छोड़िए, आज पाप क्षमा का अवसर को अपना जीवन में अपनाइए, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले स्वर्गीय लाभ को उठाइए। हमें उदया जल से लेकर अस्थाजल तक आपको बुलाने वाले परमेश्वर का नस्ती किया और स्वर्गीय संगति की आरंभ कीजिए। दूसरा बुलाहट है हमें प्रेस खॉट मत्थी रजित सुसमाचार 11वां अध्याय का 28वां आयत को पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शांति पाने हेतु बुलाते हैं, विश्राम पाने के लिए बुलाते हैं। उदया जल से लेकर अस्था जल तक सारे मनुष्य प्राणी को बुलाने वाला परमेश्वर पहला बुलावट पाप क्षमा के निमित्त, पाप क्षमा पाने हेतु धर्म कोई काम का नहीं, कर्म कोई काम का नहीं, धर्म धन कोई काम का नहीं, यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान ही एकमात्र माध्यम है। दूसरी बात है शांति पाने हेतु परमेश्वर को बुलाते हैं। आज हर एक इंसान अशांति से भरा हुआ है, राजमहल अशांति का शिकार है, हमें मंत्री मंडल अशांति का शिकार है, पढ़े लिखे लोग अशांति का शिकार है। अशांति मिटाने हेतु, विश्राम पाने हेतु, दिल में शांति पाने हेतु लोग हमें दारू का सहारा लेते हैं, नाइट क्लब का सहारा देते हैं, जुआ खेलने का सहारा देते हैं, भटकने का जीवन शैली अपनाते हैं। प्यारो एक बात नम्रता पूर्वक मैं आपको समझाना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी जीवन शैली आप अपनाइए, दुनिया का कोई भी जगह पर आप जाके बस जाइए, दुनिया का कोई भी धर्म में आप अपना विश्वास रखिए, जब तक जीवित परमेश्वर का शांति पाने का बुलाहट को दिल में लेता नहीं। शांति का राजकुमार एकमात्र प्रभु है, शांति का स्वामी
शांति का मालिक मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। आप उनका शांति पाने का एक स्वर्गीय अभिलाषा को दिल में लेते हैं तो सोच से बढ़कर चिंताओं से बढ़कर हर प्रकार की आंगुल व्यागुल अवस्था से रामे तितर बितर होकर रहने वाली जिंदगी की हालातों से मेरा प्रभु आपको एक शांतिमय वातावरण देने वाले है। एक दिन यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय शिमोन के घर में एक औरत उनका पैरों पर गिरते हुए रोने लगा, रोते गया, रोती गई। आखिर उनका जिंदगी में हमें अपना सिर का बाल खोल कर यीशु मसीह का पैरों को साफ कर दिया। यीशु मसीह उनको क्या बोला, हमें बेटी तू उठो शांति से जाओ, आज के बाद पाप मत करना, प्यारे पाप के द्वारा उत्पन्न होने वाले हर का शांति, परिवार में अशांति, परिपत्नी के बीच में अशांति, हालेलुया चर्च में अशांति, पादरी लोगों में अशांति, शासकों में अशांति, हर एक लोगों में अशांति भरा पड़ा हुआ है। एक भयानक अवस्था में आप दुनिया पहुंच चुके हैं। आपका जिंदगी में तनाव है तो, आपका जिंदगी में हालेलुया आगुल व्यागुल अवस्था है तो, आपका कंट्रोल से हर एक बातें बाहर बढ़ चुके हैं। आप आगे का कदम रखने का हिम्मत खोया हुआ व्यक्ति है, आत्महत्या के लिए सोचने वाली व्यक्ति हो, जीवन लीला समाप्त हो जाए तो अच्छा होता, अपने प्रति सोचने वाली व्यक्ति हो, आप आइए, शांति का राजकुमार आपका इंतजार करते हैं। हालेलुया रखा माना बीरा बिला अचला रहा थुला रबा, और कहीं दरवाजा शांति पाने के लिए खुला नहीं, और कोई आवे दरवाजा पाप क्षमा के लिए खुला नहीं। उदयाद से लेकर हस्ताक्षर तक आपको बुलाने वाला परमेश्वर, आज रात्रि वो शांति का संदेश यीशु का सुसमाचार आप अपनाइए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, आप हमारे पाप के निमित्त क्रूस पर मरा है, आपका शरीर बलिदान के द्वारा क्रूस पर बहाई हुई है पवित्र हमें खून के द्वारा आप हमको पाप क्षमा देते हैं, चंगाई देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं। आज अपना पाप से मुक्ति पाने हेतु, अपना पाप से शुद्धिकरण पाने हेतु, हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनने हेतु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता के रूप में स्वीकार करने हेतु, जो व्यक्ति प्रभु जी विश्वास करते हैं उनका जीवन आशीष होने पाए, आपका बहुमूल्य वस्तु उनका परिवार में रह पाए, अशांति का जिंदगी जीने वाले हर एक वजन सुने हुए, हमारे हड्डी के साथ हड्डी, मांस के साथ मांस, हमारे भाई बहनों को संगे सगे गर्मियों को प्रभु आपका हाथों मर देते हैं, सारी राज्य में शांति आने पाए। यह वजन सुने हुए हर एक हमारा भाई बहन में स्वर्गीय अनुग्रह आने पाए। हालेलुया शांति को तोड़ने वाले हर एक अंधकार का लड़ाई, हर एक पाप का अवत्य, हर एक नुकसान वाली बातें यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए जाती रहे। शखा माना रिखा पर रहा दूरा लाबा है पवित्र आत्मा, आपका वजन सुनने और सुनाने के दो दिए हुई अवसर के निमित्त धन्यवाद। ये प्रेयर लाइन के लिए, उसका संचालक लोगों के लिए, हर एक प्रिय जनों को आपका हाथ अमर देते हैं। अगले मिलन हमारे बीच में होने तक आपके पंगों के आड़ में हमको सुरक्षित रखे, आदर महिमा को देते हुए आगमन के लिए हमको तैयार करने की विनती मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की मीठे मधुर नाम से दया से कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। बहुत बहुत थैंक्स पास्टर जी, आपको जय मसी अवसर के निमित्त ये वजन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, आप प्रेयर लाइन पे बना रहिएगा पास्टर जी, एक 5-10 मिनट अगर किसी को प्रेयर चाहिए तो। आप प्रभु के दास से कलाम की आवाज सुन रहा था, प्रभु हमें बुला रहा है, उदय जल से लेकर अस्त जल तक प्रभु हमें पुकारता है, किस लिए पुकारता है, पाप से छुटकारा देने के लिए। मुझे सुनने वाले प्रियजन, आपके नाम जीवन की पुस्तक में अंकित करने के लिए अथवा लिखने के लिए, और जीवन की पुस्तक से आपका लिखा हुआ नाम मिटा देने का वजह पाप है। अगर आज आप अपने पाप को प्रभु के सामने इकरार कर अपने आप को समर्पित करता है,
तो आज तक आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, तो प्रभु आपकी समर्पण आगे आपको रक्षा देकर आपके नाम जीवन की पुस्तक में अंकित किया जाएगा। अगर आपके नाम जीवन की पुस्तक में अंकित है और आप पाप की जिंदगी गुजार रहा है, तो उस पाप की वजह से वो आपके नाम जीवन की पुस्तक से मिटा डालेगा। इसलिए जरूरी है कि हर इंसान इस पुकार को सुने, पाप से आपको छुटकारा देने के लिए, नित्य जीवन में आपको वेलकम करने के लिए, प्रभु के साथ आनंद जीवन जीने के लिए। प्रभु आपको पुकार रहा है और ये आपको बता रहा है कि आप अपना पाप से प्रभु यीशु मसीह के कलंक रहित रक्त, जो आपके हृदय के पाप के धब्बों को धो सकता है, आपको पवित्र बना सकता है, पवित्र परमेश्वर की संगति में आपको हाथ पकड़कर आगे ले चलेगा। चलिएगा, समर्पित करने का मौका है। आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, सब कुछ पाकर भी, सब कुछ होते हुए भी आपको नींद नहीं आता है। पादरी साहब ऐसा बोल रहा था, शांति का राजकुमार आपको शांति देने के लिए, सुकून देने के लिए, चैन देने के लिए इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा, पास्टर जी के द्वारा हमें पुकार रहा था। अगर कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आपको एक अच्छा अवसर प्रभु दे रहा है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कल कर लूंगा, कल कभी आता नहीं है। ऐसा हिंदी में कहावत है कि कल कभी आता नहीं है, और हम इंसान कल की क्या बात करें, हमें क्या पता है कि कल क्या होने वाला है, हमें क्या पता है कि कल हम जीवित है या नहीं है। चलिएगा, ये सुनहरा वक्त गवाइएगा नहीं, समर्पित कीजिएगा। आप जिस वचन को सुन रहा था वो किसी इंसान का वचन नहीं है, वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है। वो वचन आप इसलिए सुन रहा था क्योंकि आपसे प्रभु बहुत ज्यादा प्यार करता है। समर्पण का वक्त है। कोई भी और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा, विशेष प्रार्थना किसी विषय में चाहिए तो बताइएगा। प्रभु की दास प्रेयर लाइन में अवेलेबल है, आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। गीत गाया वाला ग्लोरी सिस्टर के लिए प्रभु की दास प्रार्थना करेंगे, उनको एक नॉर्मल डिलीवरी देकर, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा देकर प्रभु ने आशीष देने के लिए, उनके डैडी के मिनिस्ट्री को आशीष देने के लिए प्रभु की दास प्रार्थना करेंगे। और भी कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बताइएगा, प्रभु के दास आपके लिए इस प्रेयर लाइन में अवेलेबल है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय विदानुग्रहारी प्रेमी परमेश्वर, सिस्टर ग्लोरिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको प्रेज गॉड, पारिवारिक जीवन में आपका दिया हुआ अनुभव के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। उनका प्रभु जी एक सुंदर बेबी की प्रतीक्षा में है। जल्दी का जल्दी प्रभु आपका अनुग्रह को पाकर वो प्रिय जन आशीष होने पाए। उनका प्रिय पापा की सेवकाय के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तर भारत की आमीन भिन्न भिन्न जगह पर तेरे भक्तों के द्वारा चलाए जाने वाले हरेक सेवकाय के ऊपर आशीष का अनुभव प्रदान करें। अपना प्रिय भक्तों के द्वारा बहुत लघु उद्धार का अनुभव में आए, हालेलुया चंगाई को पाए और कली से हमें जुड़ जाए। प्रभु जी प्रेस को हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में अपना भक्तों को आप सेवकाई की दौरा में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हर प्रकार की हमें शैतानिक षडयंत्रों से बचा कर रखना। किसी भी प्रकार का नुकसान वाली बातें ये प्रियजनों का सेवकाई में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आने न पाए। यीशु की नाम से ये प्रिय परिवार को, उनका सेवकाई को हम आशीष देते हैं, सदा सर्वदा आशीष रहने पाई। यीशु के नाम से आमेन। आमेन। तो प्रेस रिपोर्ट पर ब्रदर थॉमस के लिए, ब्रदर जोस के लिए हम पिछले वीक प्रार्थना कर रहे थे। वो दोनों स्ट्रोक से हॉस्पिटल में थे। दोनों ब्रदर्स डिस्चार्ज होके अभी घर में हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया। ब्रदर रजी जोसेफ इस फ्राइडे को अनदर राउंड ऑफ कीमो के लिए जा रहे हैं। उस भाई के लिए प्रार्थना करें, लिम्फोमा से के लिए कीमोथेरेपी में गुजर रहे हैं।
शारीरिक रूप से उन्हें बहुत वीक हैं, परमेश्वर का हाथ रखकर उसको पूर्ण चंगाई देने के लिए फिर से हम प्रार्थना करें। वैसे हम पिछले दिनों में, पिछले एटलीस्ट 2 साल से हम ब्रदर रोबिन शैमुअल जो 39 ईयर का था, ब्रेन ट्यूमर, उसके बाद ब्रेन सर्जरी हुआ, वो बहुत सीरियस थे। अभी प्रेयर लाइन चल रहा था तब मैसेज मिला कि वो प्रभु के सन्मुख बुला लिए गए हैं। उनके विधवा सिस्टर जूली और उनके बच्चे 10 ईयर एंड 7 ईयर ओल्ड, इस दुखित परिवार को हम प्रार्थना में याद करें। वो कतर में है, उनका बॉडी अब इंडिया में ले जाने का है। सब कार्य में परमेश्वर का हाथ हो, इस विषय के लिए भी विशेष का प्रार्थना मांगते हैं। स्वर्गीय विदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारा प्रिय रोई ब्रदर के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका कीमोथेरापी का इलाज चल रहे, जो प्रभु जी चंगाई का अनुभव उनको मिलना है। कीमोथेरापी पे के वक्त करने वाले डॉक्टर आपका कंट्रोल में रहे, सारे दवाई उनका सेहत की पुनस्थापना के निमित्त कारण होने पाए, किसी भी प्रकार का दुर्घटना विपत्ति न आने पाए। यीशु मसीह आपका पवित्र नाम से प्रिय भाई को हम आशीष देते हैं, पूरा तौर से अपना प्रिय भाई चंगा होने पाए। कतर में प्रभु जी अपना प्रिय भक्तों को आपने स्वर्ग का राजधानी में अपना शाश्वत डेरा पर बुला के अपने पास रखा। दुनिया में जिंदा बचा हुआ उनका प्रिय पत्नी, उनका संतान, परिवार का हर सदस्य जो दुख की अवस्था में है, उनको इंसान की किसी भी बातें अभी सांत्वना दे नहीं पाओगे। प्यारे प्रभु, आपका करुणामय हाथ, आपका करुणा पूर्वक आवाज उनका कानों पर गूंजते रहे, ताकि स्वर्गीय शाम भी आपके द्वारा उनको मिलते रहे। उनका हालेलुया अंतिम संस्कार के लिए उनका शरीर इंडिया में पहुंचाना है, उसके सारे कार्यक्रम, हालेलुया कानूनी कार्यक्रम, आमे प्रेस को हवाई जहाज में उसको ले जाने का, हालेलुया आमेन। कितना धन सम्पत्ति की जरूरत है, अपना प्रिय जनों के द्वारा खुदा हरेक व्यवस्थाएं संबंध होने पाए। हर कदम में आपका अनुग्रह का हाथ प्रिय परिवार के साथ रहे, सांत्वना दिया जाए, आशीष दिया जाए। जीवित रहने वाले उनका परिवार के हर सदस्य आध्यात्मिक दीदी में और आपका विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु को महिमा करने पाए, मांगते प्रार्थना यीशु के नाम से, आमेन। मैं एक प्रेस रिपोर्ट बोलना चाहता हूँ। क्यों पिछले हफ्ता में हाल प्रभु का दास जैन पास्टर ने हम लाइन में बोला है हमारे लिए प्रार्थना करें। पिछले दिन में हमारा एंजियोग्राम हुआ है, एंजियोग्राम में बाद में डॉक्टर ने बताया कि हमारा कोई ब्लॉक नहीं है, हम सही समय में घर में पहुंच गया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस प्रेयर लाइन में मेरे लिए प्रार्थना किया और एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। जो स्क्रीन अचान बोल रहा था, हांजियोग्राम के लिए डॉक्टर के रिक्वेस्ट के अनुसार हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने बताया कि उनको कोई ब्लॉक नहीं है, हांजियोग्राम का जरूरत नहीं है, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया, उसका गवाही आप सुन रहा था। प्रभु के लिए विशेष कर प्रार्थना कीजिएगा, 2-4 बार रिपीट हुआ था, और ऐसा कभी भी उनको एक ब्लॉकेज ना आए उसके लिए हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे। और कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा, नहीं तो चलेगा, मेरे साथ आंखें बंद कीजिएगा, टाइम हो चुका है। लास्ट में मेरी सिस्टर अनाउंसमेंट करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी अमेरिका को आपके हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करता है। प्रभु जी इस देश पर आपका शांति, आपका डिलीवरेंस, स्पिरिचुअली हर लोग ब्लस होने के लिए प्रार्थना करता है, हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, विशेषकर अभी छुट्टी का दिन है, प्रभु जी उन सब जवान बच्चे जहाँ कहीं भी जाते आते उन पर आपका विशेष प्रोटेक्शन रहे, कोई भी गलत रास्ता में नहीं जाए। इस दिनों में यहाँ में VBS वगैरह का प्रोग्राम चलाते, उस प्रोग्राम में बच्चे जरूर आशीष पाने के लिए, पवित्र आत्मा से बनने के लिए हम लोग विशेष कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी विशेष कर पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते जो आज रात हमसे
कलाम से आपकी आवाज सुनाया, फिर से एक बार याद दिलाया कि प्रभु हमें पुकार रहा है। प्रभु जी उनके मिनिस्ट्री के लिए, विशेष रूप से वो अमेरिका में है, उनकी ये विजिट अनेक लोगों के लिए आशीष बनने के लिए आपसे हम लोग निवेदन करते, प्रार्थना करते, आज गीत गाकर इस प्रेयर लाइन में प्रभु की महिमा किया वाला प्रेयर सिस्टर के, उनके डैडी के लिए, उनके परिवार के लिए हम लोग विशेष कर प्रार्थना करते, आशीष दीजिएगा। हर प्रेयर लाइन के पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते, प्रभु विशेष आशीष से भरिएगा। हिंदी प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करता है, साजन ब्रदर अभी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु उन्हें ज्यादा से ज्यादा आशीष दीजिएगा। प्रभु जी हर छोटे बड़े हमारे जरूरतों को आपके हाथों में समर्पित करता है। एक बार फिर से हम एक साथ मिलकर ये बोलना चाहता है, प्रभु आपकी आशीष हम सबों पर हो, बिना आपकी आशीष की, आपकी सहायता का हम आगे नहीं चल सकता है। प्रभु जी अगर आपके आने में देर है और एक बार हम इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए एक अवसर और मिलता है, तो प्रभु जी तब तक हम सबों को अपने पंखों के नीचे आप सुरक्षित रखिएगा। एक प्रभु के दास होने के नाते, प्रभु के दास जो कलाम से आज बातें किया, उनके साथ मिलकर हम हर प्रेयर लाइन पार्टनर्स को, हर परिवार को, हर प्रियजनों को, हर प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों पर समर्पित करता हुआ पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता है। मैं ये प्रार्थना करता है कि प्रिय प्रभु जन जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें प्रभु आशीष दे, ताकि वो सब तरह से पुष्टि और प्रभु की आशीष और शांति पाए। प्रभु जी किसी के ऊपर रोग दुख कष्ट प्रयास अनर्थ ना आए, यीशु मसीह के रक्त से पवित्र आत्मा के सानिध्य में मैं सबों को छिपा कर जयवंत परमेश्वर के नाम से जय बोलता हुआ आशीष देता है। हर किसी के साथ आपका सानिध्य बना रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। हालेलुया, थैंक यू पास्टर जैन। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को परमेश्वर ने प्रेयर लाइन को चलाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक पर बनी रही है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर सिस्टर ग्लोरी, गॉड ब्लेस यू फॉर ब्लेसिंग अस विद द सॉन्ग, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद द हेल्थी बेबी एंड हेल्थी प्रेगनेंसी। हालेलुया, पास्टर कुरियाकोस आपको धन्यवाद देती हूँ। इंदौर के देश से इस देश में आके हम इकट्ठा होकर एक परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर कुरियाकोस, गॉड ब्लेस द मिनिस्ट्री एंड गॉड यूज यू माइटली फॉर हिज किंगडम। हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज और ये गाना आपको कल यूट्यूब में अवेलेबल होगा, और कल हम प्रेयर लाइन आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जो भाई बहन जो आपके हिंदी फ्रेंड्स आज लाइन पे नहीं थे, आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, एंड मे गॉड यूज दिस फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ हिज गॉस्पेल। गॉड ब्लेस अस ऑल, हैव ए गुड नाइट। पास आओ मुक्ति पावो।